पर नाइट का जोरदार तालियों से बच्चों के ऊपर हौसला अफजाई करेंगे, जो कि अपने कल्चर शौक को बड़ा बाखो भी सीख रहे हैं और आप लोगों का सबक सुधार करके सुना रहे हैं। और इस संध्या के मेला में हम लोग कुछ गाने, कुछ बजाने, कुछ नाच के साथ में कुछ अहम बातों को भी सुनने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो आप ही के एरिया से पढ़ लिख करके आज डीएसपी लोहरदगा के रूप में पदस्थापित है, समीर तिरकी जी दादा को मंच में आमंत्रित करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि समाज एक ऐसी जगह है जिसमें सबों को जन्म लेना है और इसी समाज में सबको समा जाना है। हमारा बस याद रह जाएगा हमारा कर्तव्य। समीर दादा जब से मिले हैं मैं उनकी बातों से प्रभावित हुआ और मुझे महसूस हुआ कि ऐसे पद में रहते हुए भी लोग समाज के विषय में चिंतन मंथन करते हैं और लोगों के प्रति दिल में एक श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। ऐसे दादा को मैं हमेशा याद करता हूँ और जब भी जरूरत पड़े तुरंत मैं फ़ोन लगाने का प्रयास करता हूँ और हमेशा दादा भी रिस्पॉन्स देते हैं, ध्यान रखते हैं। निश्चित बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था लोहरदगा का मैं दीवान पद में हूँ। मुझे भी लोहरदगा जिला का आदिवासी समाज का जो कुछ भी घटना परिघटना उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। हम लोगों की टीम अपने हिसाब से आज के छोटे छोटे व्यवस्था को संभालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में हमारी परिवहन व्यवस्था को संचालित करने के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए तीन गुरु सदस्य सेना काम कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष सचिव और प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग चाहेंगे कि पूरे लोहरदगा जिला में प्रशासनिक तंत्र को हमेशा कहीं भी जरूरत पड़े हम लोग एक दूसरे का सहयोग लेने और देने के लिए तैयार रहेंगे। और दादा की बातों से बहुत अच्छा लगा, उसी दिन से मैं इनके विषय में मैं सोचता हूँ, लगता है कि हाँ अच्छे सोच के लोगों की जरूरत है इस प्रशासनिक तंत्र में, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र की थोड़ी जो है कुछ अलग बन चुकी थी, लेकिन आज के समय में ऐसे ऐसे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है हमारे लोहरदगा जिला में। हमारे डीएसपी साहब का भी मैं तारीफ करूँगा और हमारे यहाँ पर थाना प्रभारी जी का भी तारीफ करूँगा। इन लोगों का सूझबूझ और सामंजस्य को देखते हुए आज के दिनों में पुलिस का जो परिभाषा थी वो चेंज हो चुकी है। आज के दिन में हम लोगों को लगता है कि हमारा सामाजिक व्यक्ति ही आज वैसे होने पे हैं और अच्छे समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं वैसे सबको कहना चाहता हूँ समीर तिरकी दादा आप हमारे करीब हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हम लोग करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हिंदी में बहुत हिंदी ना खबरी में देखा ये बढ़िया लग गया। भैया भैया उपस्थित माए बाप भाई बहन और छोटे छोटे बेटा बेटी मन के मोर बनते हुए जोहार होते जोहार आइट तरह के पूर्व संध्या में तुम्हारे अभी बुलाए गए बहुत महान रिजल्ट मिला करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। कर्मा पर हमने के बहुत चीज के सिखाए लेकिन जाने के जरूरत है। कर्म त्यौहार खाली हमने के प्रकृति के पूजा करके नहीं सिखाएगा बल्कि प्रकृति ने हमरे के देवेला उसे भी हमने के समाज के रूप में आगे बढ़ाए लगे सिखाएगा। आज इस विद्यालय के इस प्रांगण में आए गए छोटे छोटे समाज के देख के लगेगा कि मंदिर पुराना परंपरा है से परंपरा के आगे बढ़ाए के कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बेटा बेटी मन धन्यवाद के पात्र हैं। मैं माए बाप से आग्रह करे कहूँगा कि तोहरे मन अपन से पूरा पड़ा है सके बरकरार रखबा और छोटे छोटे बेटा बेटी मन है सके पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाए के लगे सिखाए के कोशिश करबा और बाप मन से भाई मन से एगो अनुरोध करो ना कि करमा के दिन में जब प्रसाद होवेला सके बगला न फैले खाली प्रसाद रूप में आशीर्वाद रूप में लेवे है और यही मिसाल कायम करे थे कि हमारे आदिवासी परंपरा रहते हुए भी हमें ऊपर अच्छा से पालन करें। और आज मैं बगरा तो नहीं कहूँ कर्म के बारे में, बस इतने कहूँ कि भगवान के हमारे के आपस में परंपरा है, रीति विधि है, कर्म के समय आवेला तो कर्म धर्म भाई के कहानी याद आवेला ओहे लेके आंकड़ा में जाएगा कोई फिर भूलेगा तो सातों महीन सातों कर्म सारे गाना याद आवेगा। वो छोटे छोटे चीज जो है ये बरसों से चलते आवाते हैं आज हमें के लाल शर्म के हटाए के उनके आगे भी बढ़ाए थे और अपने छोटे छोटे छुआ करके भी यही बात के सिखाए थे और आज हमें स्कूल के प्रांगण में आए कि छोटे छोटे छुआ करके डांस प्रोग्राम हुआ अपन पुराना परंपरा और रीति विधि और अपन जो परिधान है उनके बरकरार रखे उनके देख के बड़ा बेस लगा और इधर लगे हुए यहाँ पर सब पर बुजुर्ग बन गए और छोटे छोटे युवा बन गए सहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद वहाँ कि तोहरे मनी परंपरा के बढ़ा था यही लगे कर्म त्यौहार भी सिखाएगा कि भाई बहनों आपस में प्रेम करके एक दूसरे के मान और इज्जत देने है। और सबसे बड़ा बात यह है कि वो बेटी जो हमारे छोटे छोटे हैं इवन हमारे भविष्य के आगे बढ़ाए के लिए इवन के शिक्षा देवा इवन के वजह से एक वो घर नहीं और सारा घर जो है उसको भेजा सही लगे मैं चाहूँगा बड़ बुजुर्ग से अनुरोध भी करूँगा कि कम से कम भूखे रहा लेकिन छुआ मन के इसको जरूर भेजा। जब तक छुआ मन शिक्षित नहीं हो पाए अपन अधिकार के लिए समझ पाए तो लड़ाई कौन बात करेंगे। जब तक जानते नहीं करवा कि लड़े का शिक्षक है और किस बात से लड़े है कौन तरीके से लड़े है देखिए जब समझ में नहीं करवाएं तो फिर वो बात नहीं लड़वा का ठेला पत्थर आपस में गाँव मोहल्ला में लड़वा देखकर से बढ़िया है छुआ मन के शिक्षित करा और अपन साथ में अन्याय हुआ थे देखकर लेकिन लड़े की कोशिश करना है ही नहीं कि घर मोहल्ला में आपस में लड़ेगा। और का वहाँ पे बर्फ के दिन आए तो इतने ही कहेंगे मैं अपन बात के खत्म करो ना पर बुजुर्ग और भाई बहन से अनुरोध है कि बेटा टिकट है मोबाइल है उन्होंने अपन अपन मोबाइल निकलाए लेवा मैं नंबर बता दो सके नोट कर लेवा वो नंबर है 9955930072 9955930072। आखिरी में तोहरे मानों के यहाँ बुलाएंगे कि महान इज्जत दिला कर लगे वहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। लोहरदगा जोरदार तालियों से हम लोग फिर से स्वागत करेंगे हमारे दादा समीर तिरकी अपना महत्वपूर्ण समय ऑन ड्यूटी रहते हुए भी आप लोगों के लिए और ये बुद्धिजीवी दूरपुड़िया के लिए समय दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे क्योंकि आप लोगों के आने से हम लोगों को भी अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से आप लोग लोहरदगा जिला को संभाल करके रखे हैं काबिल तारीफ है। और इस संध्या के बेला में हम लोगों का कार्यक्रम 2 बजे से शुरू हुई है लगातार जो है चल रही है हम लोग समाप्ति की ओर जाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले लड़कों का कार्यक्रम के बीच बीच में हम लोग कुछ बातों को भी सुनेंगे और एक कार्यक्रम के बाद तुरंत बाद हमारे राज्य प्रधान प्रार्थना सभा प्रदेश अध्यक्ष दादा रविंद्र जी का भी हम लोग आगे आशीर्वाचन देंगे और एक कार्यक्रम के बाद दादा आपको भी हम लोग आमंत्रण करते हैं इस छोटे से अखाड़े में। धन्यवाद। नाम ग्रहण कॉल पोजीशन एवं विशेष गीता विधान और पूरी तरह Yeah. Give a big hand for the victory. कार्यक्रम में उपस्थित पूरे यहाँ के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और अभी अभी हमारे बीच जो विशिष्ट अतिथि महोदय पधारे थे, जो कि आदिवासी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में एक अच्छे अवधि में आने के बाद भी धर्म और समाज के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही इस स्कूल के सभी शिक्षकगण और जितने भी दूर दराज गाँव से आए सभी अभिभावक सबको जय जमा जय राम। आज बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग अपने समाज के स्कूल के इस प्रांगण में अपनी परंपरा अपनी संस्कृति के बीच अपने बाल बच्चों को देख पा रहे हैं। आज इस गुरु मिलन महोत्सव के माध्यम से आज जो बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये बच्चे कई जिलों से हैं, कई गांवों से हैं। ये बच्चे आज यहाँ गीत नृत्य सीखकर इसका बीजारोपण कई गांव में करेंगे और हमारा परंपरा संस्कृति इस तरह से जीवित रहेगा और ये और जगह भी फैलेगा फूलेगा। इसके लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय दादा दिखी भगत, सचिव सुनीता भगत जी और तमाम पदाधिकारियों को, गुरु वीर सेना के तमाम पदाधिकारियों को और उपस्थित सदन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि समाज के लिए इतना सुंदर पहल हुआ कि एक आशा का किरण हम लोगों के बीच में दिख रहा है कि हमारा समाज पहले की तरह अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को जीवित रखता है। और आज जो कर्म त्यौहार जो हम लोग मनाने जा रहे हैं उसका आज से आगाज हो चुका है। हम लोग गीत नृत्य के साथ इसका शुरुआत कर चुके हैं और पूरी बात जो हम लोग कर्म मनाएंगे हमारे हिंदुओं में कर्म त्यौहार के माध्यम से हम लोगों को जीवन जीने का निचोड़ बताया है। ये जो कर्म त्यौहार है सिर्फ रीत रखनी नहीं बल्कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए उन तमाम चीज़ों को इस कर्म त्यौहार के माध्यम से बताया है। उन्होंने बताया कि दुनिया में हम लोग पैदा हुए हैं तो ये जो शरीर है ये कर्म करने के लिए है, ये शरीर कर्म करने के लिए है, लेकिन इस शरीर से जो आत्मा वास करता है वो धर्म करने के लिए है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म का मतलब वो अच्छे काम जिससे हम अपने सोच अपने विचार हम लोग शुद्ध रख पाते हैं, अच्छा रख पाते हैं। सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, इन चीज़ों को हम अपने जीवन में अमल कर पाते हैं। तो हमारे प्रमुखों ने बताया है कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है, कर्म का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बिना धर्म के कर्म करने से हम धन तो कमा सकते हैं, पैसा कौड़ी तो कमा सकते हैं, लेकिन उस धन से मेरे अंदर घमंड आ सकता है, मेरे अंदर अहंकार आ सकता है। लेकिन धर्म के साथ कर्म करने से उसी दौलत से मेरे अंदर तरक्की आएगा, बरकत आएगा, मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। तो हमारे पुरुषों ने कर्म और धर्म की जो कहानी कर्म पूजा में बताया, उस कहानी के माध्यम से यही सीख देने का कोशिश किया कि कर्म किस तरह से बाहर जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, कमाने के बाद उनके पास अपना धन दौलत आ जाता है, लेकिन धन दौलत आने के साथ साथ उनके अंदर धन भी आ जाता है। और जब हम गाँव लौटते हैं तो धन देवता का अपमान कर देते हैं, जिसके कारण उसका बरकत तमाम चीज खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो साफ समुद्र पार जाकर कर्मदेव को बना कर लाते हैं, फिर से तरक्की बरकत शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग भी, ऊपर वाले ने हमें हर कुछ दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, हम कर्म तो जरूर करेंगे, लेकिन धर्म के साथ, अच्छे विचार, अच्छे सोच के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो जो मेहनत से जो हम पैसा कमाते हैं उसका कदर होता है, हमारे बाल बच्चों में अच्छा संस्कार जाता है। तो हमारे पुरुषों ने इस कर्म त्यौहार में हमें जीवन जीने का निचोड़ बताया है। तो हम लोग त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन अपने कर्तव्य, अपने धर्म को जरूर समझना। इस बीच बाबा कार्तिक राव ने भी हमें धर्म के विषय बताया, अपने समाज के विषय बताया कि हम लोग को समाज में कैसे जीना है। उन्होंने 3 बातें कही, लर्न और रिटर्न। लर्न मतलब हम लोग जब दुनिया में फायदा लेते हैं, अपने समाज में फायदा लेते हैं, हम लोग समाज से सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और जब हम लोग सीखते हैं तो उसके बाद जब हम लोग सीखने के बाद हम लोग अर्थ करते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, मान सम्मान कमाते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हम लर्न करते हैं, उसके बाद तीसरा उन्होंने बताया रिटर्न, हमें समाज को वापस करना है। लेकिन जब समाज को वापस करने की बात आती है, लोग भूल जाते हैं। लोग समाज से सीखते तो हैं, समाज से कमाते तो हैं, लेकिन जब समाज को वापस करने की बात आती है लोग भूल जाते हैं, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चा परिवार से सिमट जाते हैं, अपने ज्ञान को अपने बच्चे सिमट कर इस रूप से वो समाज के कर्तव्य होते हैं। क्योंकि आप किसी भी अवधि में है जब हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप भी अगर वो नहीं करे, गैस एजेंसी ले, जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हैं, कहीं नौकरी करे जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हैं, कहीं चुनाव लड़े जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उस अहदे में आ जाते हैं और उसके बाद अगर समाज को भूल जाते हैं तो वो समाज के लिए लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो आप हम जहीं भी रहे, जितना भी कमाएँ, हम अपने घर परिवार के साथ साथ अपने समाज के लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें। यही कर्म का संदेश है, यही कर्म त्यौहार का संदेश है। बीवी बच्चा परिवार के लिए तो जीव जंतु जानवर भी कर लेते हैं, छोटा छोटा चिड़िया भी अपने छोटे चिड़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए दाना ला ला कर देते हैं। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम सिर्फ परिवार तक ही नहीं सोचे, अपने समाज के लिए भी सोचे, बड़े दायरे के लिए भी सोचे। और समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज पढ़ने लिखने के बाद अच्छे अहदे में आने के बावजूद वो समाज के लिए काम करते हैं, वो अपने समाज के बीच में काम कर पाते हैं। धन्य है ऐसे लोग। तो आज ये छोटा सा जीवन हम लोगों को मिला है, हम लोग कुछ करेंगे तो भी इस दुनिया से जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी इस दुनिया से जाएंगे। तो जब इस दुनिया से जाना है तो अच्छा करके जाना है, क्योंकि हम लोग कितना जीते हैं वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम लोग कैसे जीते। धरती आबा बिरसा मुंडा आप 25 साल इस दुनिया में जिए, लेकिन जब तक इस दुनिया में रहे ऐसा काम किए कि वो फिर कभी नहीं मरे। हमारे अमर शहीद दिखी भगत वो इस दुनिया में आए, ऐसा काम करके गए कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। प्रोग्राम कामों को याद करके हम लोगों को दुनिया में बेहतर काम करने के लिए बाबा कार्तिक राव वो अपना ज्ञान और उनके पास जो भी थी उसको परिवार तक किसी में मिले, वो अपने समाज में इस्तेमाल किए, जिसके कारण ये समाज पाया है। तो आज इस काम के अवसर पर हम लोगों को ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हम कर्म जरूर करेंगे, लेकिन धर्म के साथ हर अपना कर्तव्य अपना जीने वाले को, चाहे वो घर के प्रति हो या समाज के प्रति हो, इसका हम लोग पूरी भांति निर्वाह करेंगे ताकि हम अपने साथ साथ अपने समाज को भी बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ साथ आप सबों को कर्म पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, सबों को धन्यवाद। जय भारत। एक बार और जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे रविंद्र का। राशि सभा प्रार्थना सभा भारत के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र जो कि राशि हारगो के रहने वाले हैं, और एक मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर 1 से 1 स्कूल राशि में हैं। हम लोहरदगा गुमला लातेहार सभी जगह से तलाशों से हम लोग राशि पाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी सोच देखिए। अपनी बच्ची का नामांकन इस स्कूल में करा करके आज अभिभावक के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार ताली से एक बार फिर से आपको स्वागत करेंगे। अब हम लोग कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर ले जाते हैं। बच्चों से मेरा आग्रह है, एनीवे आई वांट दैट आई वांट टू कॉल हियर टू वेरी सून you come here side dear class, this call we want to do a last dance dear class, यह बात आपको दी गई है आपके फ्लिपकार्ट ऑर्डर के लिए। I would like to thank the contact you to the delivery order. If you are available to receive the delivery now, please let me know. If you are not ऑपरेटर महोदय कृपया ध्यान से बीच में हैंड ऊपर चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यू वांट टू डांस और नॉट एक वीडियो तुम काम करके ओके दिन तो इरकर से करो। एक लग गया लाइक शेयर सब्सक्राइब और खूब देरी हटके जोहर भाई।